रायबरेली में पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया है। यहां कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन को पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दिया है। दरअसल कांग्रेसी LIC और राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा अडानी समूह को अवैध रूप से दिए जाने का आरोप लगाकर DM को ज्ञापन देना चाहते थे। कांग्रेसी LIC और पंजाब नेशनल बैंक होते हुए कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर कांग्रेसियों को दफ्तर के भीतर ही नज़रबंद कर दिया है। कांग्रेसी DM कार्यालय जाकर ही ज्ञापन देने की जिद के साथ ही दफ्तर के ठीक बाहर बैरिकेडिंग के भीतर ही धरने पर बैठे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या है, क्यों दफ्तर के सामने बैठे धरने पे? आज हम लोग जो अदानी समूह को भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, LIC का पैसा, जो पैसा हमारी देश की जनता, जो गरीब जनता है, गाड़ी कमाई का पैसा जमा किया था, वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, वो पैसा, जनता का पैसा अडानी समूह को दिया गया है। 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC का पैसा उनको दिया गया है। 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक का पैसा दिया गया है। 7,000 करोड़ रुपए करीब पंजाब नेशनल बैंक का पैसा दिया गया है। उस पैसे का अडानी समूह ने दुरुपयोग किया है। उसी पैसे से जो भाजपा की सरकार चुनाव लड़ती है देश में, उसी पैसे का ये दुरुपयोग किया है। और जो अडानी समूह के द्वारा जो उनका बैलेंस शीट है, उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है। अगर आज यहाँ पे क्या करें, आज हम लोग इसी LIC को बचाने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक को बचाने के लिए, जो राष्ट्र की धरोहर है, जिन पर जनता विश्वास करती है, इसके खिलाफ हम लोग DM के कार्यालय जा रहे थे, LIC कार्यालय जा रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय जा रहे थे, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय जा रहे थे कि जनता का पैसा, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको बचाया जाए। लेकिन ये मोदी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया है। हमारे साथ राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के महासचिव सुशील पासी जी हैं, अतुल सिंह जी हैं, धीरज श्रीवास्तव जी हैं, निर्मल शुक्ला हैं, विजय शंकर अग्निहोत्री हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्षगण हैं, महासचिव हैं। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आप? आज हम लोग यहीं पर बैठ के धरना देंगे। और जो बैंक को बचाने के लिए, LIC को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रेट हैं तो आपसे ज्ञापन लेने के लिए? नहीं, ज्ञापन ऐसे नहीं सर, हमको लोकतंत्र में व्यवस्था दिया गया है, संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हर आदमी को अपनी बात कह सके। तो हम क्या अपने कार्यालय, हमारा कार्यालय घेरा गया है? कौन से कानून के साथ हमारा कार्यालय घेरा गया है? हम लोग यहीं पर बैठेंगे, ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।